शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम भी मुसीबत में पड़े हुए हैं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो आपको भी दुख होगा, लेकिन मुझे इस फरेब से, इस धोखेबाजी से लड़ना है। मेम साहब, ये प्लेट क्यों रोज लगवाती हैं आप? खाने पे तो कोई नहीं आता। अरे भाई, हम जो आ गए हैं। देखा सिस्टर, कितने अच्छे मौके पे आए। हेलो मामा जी। हेलो मम्मी। हेलो बेबी, खाना खाएंगे? देखिए पूछ। मामा जी प्लीज, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। इस प्लेट को ऐसे ही रहने दीजिए, आपके लिए दूसरी प्लेट आ जाएगी। ओके। क्यों बेबी, कोई आने वाला है क्या? एक ना एक दिन तो शाम को वापस आना ही है ना मम्मी। लो और सुन लो, इसको अभी भी शाम का इंतजार है। वाह, शाम का इंतजार? जिसने तेरे सौतन रख ली। अब तो शादी भी कर ली होगी। मेरा दिल नहीं मानता। और दो चार महीने में मान जाएगा। वैसे वकील साहब की ये राय है कि अब काफी इंतजार हो चुका है, तलाक के पेपर्स फाइल कर देने चाहिए। लेकिन मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैंने ये सब कुछ शाम को पाने के लिए किया था, खोने के लिए नहीं। लेकिन लोगों को जब पता चलेगा कि तेरे रहते हुए उसने उस अछू से शादी कर ली, तो वो दिन मेरे और उसके रिश्ते का आखिरी दिन होगा मम्मी। लेकिन मुझे सबूत चाहिए। सबूत? अरे हाथ कंगन को आरजी क्या, सबूत भी ला देंगे। लेकिन अच्छा तो ये है कि हम उसे अपनी इज्जत उछालने का मौका ही ना दें। हाँ, इससे पहले कि वो हमारे मुंह पर जूता मारे, हम उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंकते। आई एम सॉरी मामा जी, सबूत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। संपत, हम तो फिर वही आकर खड़े हो गए जहां से चले थे। फिक्र ना करो सिस्टर, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आप तो बहुत ही नाराज लग रहे हैं गोपाल बाबू। हमें अब आपसे कुछ लेना देना नहीं। ओहो, कुछ भी हो जाए गोपाल बाबू, लेकिन सलाम दुआ, जान पहचान इस तरह खत्म तो नहीं हो जाती। मैं तो कब से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन न जाने आप लोग कहाँ खो गए थे। राधा बिटिया आजकल कहाँ है? कौन आया है? अरे राधा बिटिया, कैसी हो बिटिया? एक जमाना हो गया तुम्हें देखे हुए। मैंने आपको कहा ना, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। गुस्सा थूक दीजिए गोपाल बाबू, हम भी मुसीबत में पड़े हुए हैं। इस वक्त हमारा साथ दीजिए। रुको और शाम का अलग हो जाना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारा कोई ताल्लुक ना आपके श्याम बाबू से है, ना रुको जी से है, ना आपसे है। ये तो ठीक है गोपाल बाबू, लेकिन दो मासूम जिंदगियां इस तरह बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, ये ठीक लगता है क्या? तुम भी सोचो राधा बिटिया। हम क्या कर सकते हैं, रुक्मिनी जी तो वहम का शिकार हो गई है। और उसके दिल का वहम सिर्फ तुम ही निकाल के फेंक सकती हो। लेकिन कैसे? किसी से शादी करके। जी? शादी तो एक दिन तुम्हारी भी हो जाएगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है राधा बिटिया कि अगर तुम्हारी शादी अभी हो जाएगी तो शाम और रुक्कू का उजड़ा हुआ घर बस जाएगा। तुम्हारी शादी एक सबूत बनकर रह जाएगी और रुक्कू के दिल का वहम दूर हो जाएगा। ये साबित हो जाएगा शाम के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। शादी को क्या आपने बच्चों का खेल समझा है संपत बाबू? श्याम बाबू, रुक्मिणी जी का टूटा हुआ घर बस जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती। राधा जरा सोचो तो, शादी कोई तमाशा तो नहीं कि मिट्टी से कोई पुतला बनाया जाएगा और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी? बहुत अच्छा लड़का बताऊंगा गोपाल बाबू, और शादी का सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा। देख लेना गोपाल बाबू, अपनी राधा बिटिया के लिए एक हीरा लड़का लाऊंगा, हीरा। लेकिन इस लेकिन में क्या रखा है बाबा, उनकी खुशियां वापस लौट सके
तो मैं कुछ भी करूंगी उनका टूटा हुआ घर बस सके तो मैं किसी से भी शादी कर लूंगी बाबा। तुम बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो राधा, चाहे कुछ भी हो इतने बड़े त्याग की जरूरत नहीं। बाबा ये त्याग नहीं मेरे लिए तपस्या है। श्याम बाबू आप इस हाल में? हाँ विजय, मजदूर बनकर भी जीने का एक मजा है। आपको याद है श्याम बाबू, आपकी दी हुई सिर्फ एक ही नाव से आज मैं कई बोर्ड्स का मालिक बन गया हूँ। मैं जानता हूँ, जिस कंपनी में मैं एक मछुआरे की हैसियत से काम कर रहा हूँ वो कंपनी भी तुम्हारी है। लेकिन सर अब मैं आपको हरगिज हरगिज नहीं ऐसा करने दूंगा। मेरा घर बार है, मेरी बीवी है, एक छोटी बच्ची भी है। श्याम बाबू आप चलिए हमारे साथ रहिए, प्लीज कम। बिटिया है विजय, आज नहीं फिर किसी दिन मैं तुम्हारी लाली बिटिया को देखने जरूर आऊंगा। लेकिन सर यह सब कैसे हो गया? वो अखबारों में मैंने आपके बिजनेस और फैमिली के बारे में पढ़ा था। हाँ विजय, कुछ जिंदगियां एक साथ चलते चलते एक चौराहे पर आकर अलग अलग रास्तों पर बिछड़ गई। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का उस बिचारी राधा पर क्या बीती होगी, वो किस हाल में होगी। चलता हूं, टेक केयर। अच्छी है ना? किस सपने की बात कर रही हो राधा, अब तो मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैंने क्या देखा था। तो क्या मेरी शादी के बाद उन लोगों ने आपको वापस नहीं बुलाया? शादी, ये बच्चा, ये विधवा के कपड़े, ये सब क्या है राधा? आज मेरी झोली में अपने सारे गम भर दो। दादा ये सब क्या है, मैं जानना चाहता हूं तुम कहां रही, कैसे रही, पूरी कहानी। दुखों में डूबी कहानी सुनने से क्या फायदा श्याम बाबू, सुनेंगे तो आपको भी दुख होगा। तो क्या तुम्हारा दुख और सुख जानने का मुझे कोई हक नहीं? बताओ राधा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूल्हा राजा जरा पगड़ी हटा दो, फोटो अच्छी आएगी। हाँ, ये बात है। एंड स्माइल स्माइल। लो एक घूंट पियो बस, फिर जन्नत घूमने चलते हैं साथ साथ। जी पियो ना। मैंने अरे पी, अरे पी,
अरे पी साली पी। कुछ महीनों तक ऐसी ही जिंदगी चलती रही। बाबा बहुत परेशान थे, मन ही मन घुटते रहते थे। मेरे पति एक दिन के लिए जाते तो कई दिनों तक नहीं आते थे। बस जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तभी आते थे। अरे बाप बेटी दोनों महीने भर की कमाई दिखा रहे हैं। जमाई राजा ये सब आप ले लेंगे तो घर का खर्चा कैसे चला? अरे चुप बुड्ढे, खैर जमाई रखते वक्त नहीं सोचा था हमारे को भी खर्चा चाहिए। लेकिन महीने की शुरुआत है, सबको पैसे देने हैं, दूध वाले को, धोबी को, कुछ तो सोचिए, घर का सामान कहाँ से आएगा? और हम लोग भूखे मरेंगे क्या? चुप है मुझे, तू बहुत बड़बड़ाता है। ऐसा मत कीजिए, मुझ पर जो चाहे जुल्म कर लीजिए, लेकिन बाबा की इज्जत रखिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, सारे पैसे ले लीजिए, लेकिन बाबा को कुछ मत कहिए, बाबा को कुछ मत कहिए। मुझे तो सब कुछ मंजूर था, आखिर वो मेरे पति थे, मैंने उन्हें कभी नहीं टोका, कभी नहीं रोका, उनकी जो मर्जी में आता था करते थे। फिर एक दिन मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? तू माँ बनने वाली है? किसने कहा था तुझसे माँ बनने के लिए? अरे तुझे और तेरे बाबा को पालना तो मुझे भारी पड़ रहा है और तू बच्चा जन्मने जा रही है। बच्चे तो भगवान की देन है। पनीनी बसात, ये भगवान की देन है या तेरे यार की? क्या क्या कहा आपने? कहाँ मिलती है शान के बच्चे से? बोल कहाँ रंगोलियाँ मनाती है तू उसके साथ? नहीं नहीं, ईश्वर के लिए ये इल्जाम मत लगाइए, श्याम बाबू का नाम मत लीजिए, ये बच्चा आप ही का है। अपनी यार को बचा रही है साली, आज के बाद तेरी शक्ल तक नहीं देखूंगा, इस घर में पांव तक नहीं रखूंगा। जमाई राजा, जमाई राजा उसे मत मारो, राधा को मत मारो, जमाई राजा मुझे मार लो। ये सब कुछ बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उन्हें खोजने गए तो फैसला करके ही लौटे। पागल हो गया है क्या? गुणवंत लाल जी मेरे पति हैं और तीन बच्चों के बाप भी। धोखेबाज कमीने, तूने मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। अब तू जरूरत से ज्यादा राज जान गया है, अब तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है। बहुत थक गए हो क्या बाबा? राधा बेटी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, तू विधवा हो गई है और तुम्हें मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए सब कुछ सहना पड़ा। ये तुम्हारा मेरा कौन सा रिश्ता है राधा? इस रिश्ते का नाम तो भगवान कृष्ण और राधा जी भी नहीं ढूंढ पाए थे श्याम बाबू। बस इतना जानती हूँ कि पति आप रुकू जी के हैं और मेरे परमेश्वर, मैंने तो आपकी सिर्फ पूजा की है। लेकिन इस पूजा ने तुम्हारी जिंदगी को जला कर राख कर दिया है राधा। नहीं श्याम बाबू, पूजा के दिए से अगर हाथ जल जाए तो वो जलन भी चंदन जैसी ठंडक देती है। डॉक्टर, ये प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है।
सिस्टर वो आ रही है। मम्मी आप रो रही है, क्या बात है, क्या हुआ? मामा जी मम्मी क्यों रो रही है? जिसका डर था बेटी वही हो गया है। श्याम ने हमारे खानदान की नाक काट दी है। कमबख्त ने क्या कसकर तमाचा मारा है हमारे मुंह पर। तो क्या श्याम ने उसे शादी कर ली? बेबी शादी ही नहीं, बच्चा भी पैदा कर लिया है। और वो भी लड़की, नर्सिंग होम में उसे उछाल उछाल कर कह रहा था। रुक्मिनी कम्मू अच्छी तरह काला करूंगा। तोबा तोबा तोबा, उसके बाद तो हमने अपने कानों में उंगलियां डाली। पर आंखें खुली थी बेबी। क्योंकि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हमारी आंखें खुली रखना बहुत जरूरी था। तो यकीन आ गया बेबी। मेरी जिंदगी की किताब का हर पन्ना खुला हुआ आपके सामने मौजूद है योर ऑनर। जिंदगी ने जो भी दफाएं मुझे दी मैंने स्वीकार किया और उसे निभाया। आज सारी सच्चाइयां आपके सामने बेपर्दा है योर ऑनर। इस इंसाफ के मंदिर में, इस इंसाफ के मंदिर में हमेशा सच की जीत हुई है। और आज मैं भी इस न्याय के मंदिर से सच्चाई की जीत चाहता हूं। योर ऑनर, इनकी दूसरी शादी के सारे सबूत हमारे पास हैं, जिन्हें हम अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं। जरूर पेश करूं, मगर कल। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर श्याम की जमानत मंजूर की जाए। योर ऑनर, जमानत मंजूर की जाती है, कोर्ट कल तक के लिए एडजर्न की जाती है। बेबी खुरदार, आज की रात और रंग रलिया मना लो। कल तो सारे सबूत मिल जाने के बाद बाकी की तमाम रातें तो जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी है। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। बाय बाय। बाय ना? मैं यहाँ बैठने नहीं, शाम से मिलने आई हूँ, उन्हें बुलाइए। जी जी अभी बुलाती हूँ। श्याम बाबू बाहर आइए, देखिए तो आपकी खुशियाँ आपकी दुनिया लौट आई है, जल्दी आइए। ये बड़ी शैतान है, आप लोगों को बातें नहीं करने देगी। हाँ
तुम्हें लेने आई हूँ। अब क्या लेने आई हूँ? मैं नहीं चाहती कि तुम राधा जैसी छोटी औरत के साथ रहो। नहीं श्याम, मुझे गलत मत समझो, तुम छोटे मत बनो, तुम्हारे लिए मैं ही छोटी बन जाती हूँ। मेरे पास लौट आओ प्लीज। वहम की मारी औरत रुकू कभी किसी की नहीं हो सकती। मैं सारी सच्चाइयों को भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम इस हाल में रहो। क्यों रुकू? तुमने तो चाहा था और कहा था कि मैं जिस दिन फिर से एक मामूली मछुआरा बन जाऊंगा वो दिन तुम दोबारा देखना चाहोगी। रुकू देखो, जो तुमने कहा था आज मैं वही बन गया हूँ। लेकिन तुम भूल गए श्याम, मैंने ये भी कहा था कि फिर मैं तुम्हें उसी तरह प्यार करूंगी। मेरे साथ लौट चलो श्याम, तुम्हें वही शोभा देता है जहाँ तुम थे, जो तुम थे। नहीं रुकू, जैसे मैं हूँ जहाँ मैं हूँ यही मुझे शोभा देता है। ये तुम नहीं, तुम्हारा घायल अहंकार बोल रहा है। अदालत में क्या तुम्हारा प्यार बोल रहा था? अदालत में सब कुछ बदला जा सकता है अगर तुम मेरे बन के रहो। मैं तुम्हारा कब नहीं बन कर रहा रुकू? जब से तुमने राधा से शादी की। राधा के साथ मेरी शादी? क्या बोल रही हो? सच्चाई को छुपाने के लिए बिगड़ो मत श्याम, राधा को छोड़कर मेरे साथ लौट चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। अगर दे सकती हो तो मुझे एक चीज दे दो। क्या? तलाक। मुझे तलाक चाहिए रुकू। मैं जानती हूँ तुम्हें तलाक क्यों चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। कल तुम्हारी दूसरी शादी का सबूत अदालत के सामने होगा और तुम जेल की सलाखों के पीछे। क्या हुआ श्याम बाबू? रुक्मिणी जी इस तरह नाराज होकर क्यों चली गई? वो आपको लेने आई थी ना? मुझे ले जाने की बहुत बड़ी कीमत मांग रही थी। वो लेने आई थी तो आपको किसी भी कीमत पर उनके साथ जाना चाहिए था। कुछ भी हो वो आपकी पत्नी है। पति के लिए पत्नी पुण्य का साथी होती है, अगर वही माथे पे पाप का टीका लगा दे तो कोई क्या करे। पाप का टीका? लेकिन लेकिन ये तस्वीर कैसा फरेब है, ये कैसा धोखा है? मुझे अपनी फिक्र नहीं है राधा, मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन मुझे इस फरेब से, इस धोखेबाजी से लड़ना है, ताकि ये तस्वीर कल भरी अदालत में तुम्हारी इज्जत के खिलाफ उंगली ना उठा सके। मेरी इज्जत आप दोनों की खुशियों से बड़ी नहीं है श्याम बाबू, जो भी कलंक लगता है मुझ पर लगने दीजिए। अगर झूठ ने सच का पहनावा पहन ही लिया है तो मैं इस झूठ को इतने बड़े सच में बदल दूंगा कि वो सच के सिवा कुछ नहीं रहेगा। दादा, मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं नहीं श्याम बाबू, नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो मेरा भगवान बेईमान पुकारा जाएगा श्याम बाबू। पुकारा जाने दो, जो होता होने दो। नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। आपके माथे पर तब सचमुच पाप का टीका लग जाएगा। पाप हो या पुण्य, इससे पहले कि मुझे सजा हो मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। इस मासूम बच्ची को अपना नाम दूंगा ताकि तुम समाज के मुंह पर तमाचा मारकर इज्जत से जी सको। मेरी इज्जत सिंदूर की लकीर में नहीं, आपकी सच्चाई और रुक्मिणी जी के सुहाग में है। सुहाग मांग में सजाया जाता है, अदालतों में जीता नहीं जाता। राधा, मैं भी पंडित को लेकर आता हूँ। श्याम बाबू, श्याम बाबू जरा सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए श्याम बाबू, ऐसा मत कीजिए। श्याम बाबू आइए, आइए जल्दी कीजिए, मेरे साथ आइए। इस मुंडी की करामात ने तुम्हारी तकदीर बदल दी। मिंगो, अपनी औकात और होश में रहो, नहीं तो मैं तुझे। आप चुप रहिए मैडम, और संपत तुम्हें तो अभी होश आ जाएगा, ये तस्वीर देख लो। ये
ये क्या साजिश है? वही साजिश प्यारे, तुम्हारा ही हाथ मैंने तुम पर चला दिया। जिस तरह तुमने ये फोटो दिखाकर रुक्मणी के दिल में नफरत के बीज बो दिए, उसे बहकाकर तलाक लेने के लिए अदालत तक पहुंचा दिया, ताकि शाम से तलाक लेने के बाद राय साहब की तमाम दौलत की मालिक अकेली रुक्मणी हो जाए, और फिर उस मासूम को बहकाकर तुम दोनों भाई बहन सारी दौलत हड़प कर जाओ। लेकिन संपत, मैं तुम्हें यह दौलत अकेले लेकर चंपत होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा यह फोटो ले जाकर रुक्मणी को दिखाऊंगा और तुम दोनों भाई बहन की पोल खोल दूंगा। आराम सादे, मुझसे बेईमानी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आग के इस खिलौने से मत खेलो संपत, हाथ जल जाएगा लेकिन कोई सबूत तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। वो जाली नेगेटिव और अपना बयान टेप करके मैंने पहले एक दोस्त के हवाले कर दिया है, आधे घंटे बाद वो सबूत पुलिस तक पहुंचा दिया जाएगा। संपत, इसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। धोखा नहीं मैडम, सौदा किया है। चलो सौदा ही सही, लेकिन वो जाली नेगेटिव और अपने बयान के टेप हमारे हवाले करो, हम तुम्हें 50,000 रुपया देंगे। बस 50,000? 1,00,000 मैडम। 2,00,000? 3,00,000? अच्छा 4,00,000? 5,00,000 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, हम जानते थे तुम हमें ब्लैकमेल करोगे, इसलिए हम ये पैसे अपने साथ लेकर आए हैं। चलो वो जाली नेगेटिव्स और अपने बयान के टेप हमारे हवाले करो और ये पैसा ले लो। पहले इस खिलौने को फेंक दो संपत, तुम्हारा क्या भरोसा? नेगेटिव और टेप लेकर मुझे गोली मार दो तो अच्छी बात है दोस्त। मुझसे ये धोखेबाजी? धोखेबाजी नहीं, तुम जैसी बला को बोतल में उतारने वाली छोटी सी करामात। जो कुछ भी तुमने बोला है वो इस वक्त इस कैसेट में रिकॉर्डेड है। कितने कमीने और गिरे हुए इंसान हो तुम लोग कि पैसे की खातिर तुम लोगों ने एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी। बरगुर्दा, ये तुम कैसे भूल गए कि मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। बरखुदार, मुझे याद आ गया, मैं वो बला हूं जो जूतों से तुम जैसे कुत्तों के सर फोड़ता हूं। नहीं दोस्त नहीं, तू हट जा, हट जा मेरे दोस्त। कमीने कुत्ते, उठ उठ। शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं, हाँ देख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करिए इन्हें। ये तस्वीर एक धोखा है, एक साजिश है बहन। सबूत को साजिश कहकर तुम मुझे मेरे ही पति की भीख देने आई हो? नहीं नहीं बहन, श्याम बाबू आपके थे, आपके हैं और आप ही के रहेंगे। ओ, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं शाम को तुम्हारे साथ बांट लूं, बीवी मैं कहलाऊं और तुम मेरी सौतन बनी रहो? नहीं नहीं, आपको श्याम बाबू की सौगंध, ऐसा मत सोचिए। आप अपने मामा जी से पूछ लीजिए, उन्होंने ही मेरी शादी गुणवंत लाल जी से करवाई थी। तमीज लड़की, अब मेरे मामा पर इल्जाम लगा रही है? मेरे मामा को क्या जरूरत थी तुम जैसी छोटी औरत की शादी करवाने की? कान खोल कर सुन ले, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कल अदालत में मैं तुझे भी खींच कर लाऊंगी। बहन की आंधी ने आपको अदालत तक तो पहुंचा दिया, लेकिन मैं विनती करती हूँ, अपने सुहाग को कानून की बेड़ियां मत पहनाइए, अपनी जिंदगी को टुकड़ों में मत बांटिए। मेरे घर, मेरे सुख चैन में आग लगाकर, मेरी जिंदगी में जहर घोलकर, अब मुझे सिखाने आई हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं तो हर बात में आपसे छोटी हूँ बहन, मैं आपको क्या सिखाऊंगी? दुख तो सिर्फ इतना है कि आपने मेरी पूजा को गलत समझा। श्याम बाबू और आपका घर तो मेरे लिए मंदिर की तरह है, जरा सोचिए तो, किसी पुजारी ने आज तक किसी मंदिर को तोड़ा है क्या? मंदिर, पूजा, ये सब बातें तेरे मुंह से बदबू देती हैं। इतना याद रखना, अगर शाम मेरे न हुए तो
तो उन्हें तेरा भी नहीं रहने दूंगी। निकल जा यहाँ से। Get out, I said, get out! रुक्मिणी जी। राधा, राधा, ये क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने? ठीक ही तो किया श्याम बाबू, मेरा भाग्य तो देखिए, जाते जाते आपके चरणों की धूल भी मिल गई, मेरी पूजा पूरी हो गई श्याम बाबू। नहीं श्याम बाबू, नहीं, अब तो हंसते हंसते विदा कीजिए, हंसते हंसते विदा कीजिए श्याम बाबू। हसी ना, हसी श्याम बाबू।